आज मैं आपको लेकर आया हूँ राजस्थानी रंग में रंगने के लिए, वो भी दिल्ली NCR में। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब होंगे बहुत बढ़िया। आज मैं आपको लेकर आया हूँ चौकी हवेली, जो कि नोएडा सेक्टर 33 में है। यहाँ आने के लिए जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो सेक्टर 32 का पड़ता है, या आप नोएडा सिटी सेंटर आ सकते हैं। अंदर चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या मज़ा आने वाला है। मैं यहाँ पर 2 साल पहले आया था, काफ़ी एंजॉय किया था। अब देखते हैं, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर क्या चेंजेस हुए हैं। और उस वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था, तो इस पर भी उम्मीद है कि ऐसा ही प्यार बरसेगा। अंदर चलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, टाइमिंग और टिकट्स के बारे में भी बताऊंगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और दोस्तों के शेयर करना भूलना नहीं। तो चलिए अंदर और देखते हैं। सो ये देखो, आज भी आरती साथ आई है। और सो आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर जो है पार्किंग भी अवेलेबल है, अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक से आना चाह रहे हैं। बाइक 20 रुपीज़, गाड़ी के 50 रुपये। ये दिल्ली हाट भी काफ़ी फेमस है यहाँ पर। ये नोएडा हाट भी है जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पर, और इस्कॉन टेम्पल के पास भी ये काफ़ी पड़ता है, तो आना काफ़ी आसान है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी। 499 रुपये अडल्ट की टिकट है, और चाइल्ड की जो टिकट आपको पड़ने वाली है 350 रुपये, 3 साल से लेकर 9 साल के बच्चे तक, और 4:30 से लेकर 9:30 बजे तक ये खुलता है। इसमें डिनर भी इंक्लूड रहता है। सो एंट्री हमने कर ली है। इवनिंग और नाइट में इसका ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, टिकट काउंटर पर जो बंदा था उसने पहचान लिया कि आप तो पहले भी आए थे जब स्टार्टिंग में ओपन हुआ था, और उसमें इन्होंने मुझे एक्चुअली में सब्सक्राइबर के लिए डिस्काउंट दिया था कुछ, वो आज तक तंग करते हैं तो ऐसी कुछ बात कर रहे थे। तो अच्छा लगता है ना जब पहचान जाए बंदा 2.5 साल बाद भी। तो बंदा देखेंगे आपको अभी धीरे धीरे, यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी पूरा है। तो यहाँ पर आज कुछ फंक्शन भी है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है, आपको धीरे धीरे सारा दिखाते हैं। सो अगर अंदर आते हैं प्यास लगते हो तो यहाँ पर आप जलजीरा ले सकते हैं, खट्टा मीठा बढ़िया जलजीरा आपको यहाँ मिल जाएगा। एंट्री करते हैं, यहाँ पर चौपाल पार्टी हो रही है, तो आपको कुछ गाने वाने यहाँ पर सुनाई देंगे बड़े अच्छे अच्छे इनकी मधुर आवाज में। लबों से कह ना पाए उनसे हारे कभी। दोस्तों ये थोड़ा छोटा सा ही है, बट ये है कि ठीक है, इवनिंग आउटिंग के लिए आपको 450-500 रुपये में मिल जाता है एक ऑप्शन। बस मेन है कि पैसे ज़्यादा नहीं है इनके, और आपको डिनर मिलता है उसमें। डिनर का जो टाइम रहता है 2 टाइमिंग आपको दे देंगे, जैसे 7 बजे और 7:45 हमें बताया है। सो आप अपने अकॉर्डिंग उसको ले सकते हो टाइमिंग को। यहाँ पर ये चीज़ें शायद थोड़ा ऐड हो गई, पहले नहीं थी ये चीज़ें थोड़ी ना थी। तो यहाँ पर अभी जो है आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ये थोड़ा सा अब गेम्स वगैरह इन्होंने ऐड कर दिए हैं। सो रिंग गेम है, क्या चार्ज है भैया रिंग गेम के? 50 रुपये के कितने? 5 5 एक चांस है 50 रुपये का। सारी गेरती तो इनाम मिलेगा आपको, इनमें से एक बच्चों की आइटम लगी हुई है वहाँ पर। सो ये गेम्स जो है मैं देख रहा हूँ, ये 2 चीज़ें तो मैंने देखा अभी तक घुसते ही कि एंट्री भी मुझे नज़र आई है नहीं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ जो आपको बता सकता हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे और सर्च कर सकेंगे ना, आप सिर्फ इतना लिखिएगा चौकी हवेली और माई ट्रैवल रन, तो आपको मेरी पुरानी वीडियो मिलेगी, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं 3 लाख के आसपास, और कंपेयर कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। यहाँ पर ये स्टार्टिंग में जैसे पानी वानी के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए एक शॉप खोल दी गई है, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, पहले नहीं थी ये। और बूंदाबांदी स्टार्ट होते हुए ये भी, ये सारी शॉप्स नहीं है, इधर देखिए एक है फिश स्पा खुल गया है यहाँ पे, 10 मिनट के 100 रुपीज़ लेते हुए यहाँ लोगों की स्पा लेते हुए लोगों को देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये भी नया है, ये पहले नहीं था जब मैं आया था। सो आप प्रीवियस वीडियो को अगर देखेंगे आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं दोनों में। तो यहाँ पर ये 100 रुपीज़ लिखा है 10 मिनट का, बढ़िया है, कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं यहाँ पर, ये सब ये शॉप वगैरह, ये चाय वगैरह की शॉप भी, ये भी बिल्कुल नहीं है। सो स्टार्टिंग में 4-5 शॉप्स तो मुझे नहीं दिखाई दे गई हैं, ये सब पेड है मैं ये बता दूँ आपको। लेकिन ये जो ज़्यादातर यहाँ पर एक्टिविटीज़ आपको नज़र आएंगी छोटी मोटी, ये सब पेड हैं, आपको मोस्टली आप वैसे इन्जॉय कर सकते हैं। और देखते हैं यहाँ पर क्या है, पर ये बैठे हुए हैं। हाँ जी पंडित जी, चार्जेज हैं इसके कितने रुपये? 100 रुपीज़ हैं ये। और ये पंडित जी यहाँ पर हाथ देखोगे आप, आपके चार्जेस क्या हैं? 100 रुपीज़ चार्जेज हैं। मैं सब जगह आया हुआ हूँ, हाँ लोहागढ़ सूरजगढ़ यहाँ पर भी आया हुआ हूँ। अरे बिल्कुल बहुत बढ़िया, देखा करो
सो देखो ये सब्सक्राइबर मिल गए, बोल रहे हैं मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ सूरजगढ़ लोहागढ़, आप ही लोग नहीं देखते, ये देखो सब देख रहे हैं। सो ये पंडित जी भविष्य बताते हैं हाथ देख के, 100 रुपीज़ रेट है इनका। तो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें सब पेड है, ये देखो यहाँ पर लिखा है। सो ये यहाँ बैठे हैं, आइए इनसे अपना भविष्य जानिए। तो आइए थोड़ा आगे देखते हैं, फिर बाद में आपको पहले दिखा दें एक बार थोड़ा, फिर लाइटनिंग में आपको दिखाएंगे। सो ये थोड़ा बहुत डेकोरेशन थी फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए। एक और पंडित जी यहाँ पर बैठे हैं। और जी पंडित जी नमस्कार, हाथ देखते हो क्या, फेस रीडिंग कर दोगे, कितने रुपए चार्जेस हैं आपके? अच्छा इच्छा से है, फिर भी कोई होता ही होगा ना, किसी ने 10 रुपए दे दिए तो ले लोगे? अच्छा। सो यहाँ पर ही हो रहा है मैजिक, ये सब फ्री है बेसिकली, जो छोटी मोटी एक्टिविटी हो रही है आपकी। हाथ बंद करो, यहाँ रख दो दोनों कॉइन, डालो हाथ, कहाँ रख दिया, देख इधर है। देखो जी भाई उसको बचपन का हमारा, ये हमारा बचपन में बहुत हम इसे मूवीज देखा करते थे इसमें। यस या सो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे एंजॉय करते हुए, क्योंकि हम तो गली में ही आ जाता था, हमने तो खूब एंजॉय करा है। सो अब कहाँ रह गई ये चीज़ें, 100 रुपीज़ का यहाँ पर ये पेड़ है, 100 रुपीज़ है ना, 30 रुपीज़ का भाई, 100 का नहीं है। राजस्थानी कल्चर दिखाया जा रहा है, सो पूरा बेसिकली ये जो है राजस्थानी थीम पर बेस्ड है ना ये पार्क। सो आप आकर ये भी एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर पेड़ है और काफ़ी फ्री है। सो ये भंगड़ा पा रहे ने राजस्थान में आकर, यहाँ पे भंगड़ा भी हो रहा है। सो राजस्थान के अंदर आपको भंगड़े का आनंद उठाना है तो ये रहा, यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह आप कर सकते हो। सो यहाँ पर हेड मसाज का आनंद भी आप ले सकते हो आराम से भैया जी से, और ये भी सारा आपके टिकट में इंक्लूड होता है, ये हेड मसाज आनंद ही आनंद आएगा आपको बाद में। सो ये देखो यहाँ पर जो है अंकल जी यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ बेच रहे हैं, ये राजस्थानी कितने की, 100 रुपीज़ है ये पूरा सेट, 100 का, 100 रुपये का। तो काफ़ी है यहाँ पर चीज़ें, अभी बनाएंगे भी तो आपको दिखाएंगे, अगर ये बाद में बनाएंगे बनाते हुए भी दिखाते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था वीडियो में। Oh,
तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा एक प्रोग्राम दिखाया राजस्थानी स्टाइल में, और काफ़ी अपनी जो भी इनके पास कला थी उसका प्रदर्शन किया यहाँ पर। तो ये भी होता रहता है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर बाद, आप इसका भी एंजॉय यहाँ पर कर सकते हैं आके। तो चलो दोस्तों अब अंदर चलते हैं और यहाँ पर करेंगे राजस्थानी भोजन का आनंद। 7 बजे का हमारा टाइम था, फिर आपको लाइटनिंग में कुछ और एक्टिविटी दिखाएंगे, यहाँ ऐसे आपको टिकट अपना दिखानी होगी। सो ये देखो यहाँ पर ऐसे सारा इनका त्यौहार है, और काफ़ी सुंदर यहाँ पे ये डेकोरेट भी करा हुआ है इन्होंने यहाँ पर। सो यहाँ पर आप अपना भोजन करेंगे। इसके अलावा शायद इन्होंने अंदर भी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, शायद यहाँ पर चेयर्स वगैरह का भी है। अगर आप चौकड़ी मार के निकलना चाहते हो तो यहाँ चेयर पे भी जिन्हें चेयर पे बैठना है वो यहाँ बैठ सकता है ना। सो जिसको यहाँ बैठना है आप यहाँ बैठ के भी भोजन कर सकते हैं। सो हम तो राजस्थानी स्टाइल में करेंगे और यहाँ करेंगे। तो दोस्तों ये लगी हुई है अपनी थाली लग गई है यहाँ पे, ये आरती की थाली लग चुकी है। बहुत भूख लग रही है इसको, काफ़ी लोग यहाँ पर आ चुके हैं इस समय जो खाएंगे पियेंगे अपना। हम दो तेजियों में चलिए, अभी आता है तो खाना आपको दिखाते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, पीछे तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। अरे चूरमा आ गया, चूरमा और यहाँ पर आना चालू हो गया है। ये चूरमा आया है फिलहाल, तो आपको मैं धीरे धीरे बताऊँगा क्या क्या आना है। सो चलो आरती को बोलते हैं, आज आपको बताएगी सब्जियों में क्या क्या मिला है। मैं अभी मैं उठा के दिखाता हूँ, कार को पीछे रखो ना कार को। हाँ चलो चलो, दाल कड़ी, पनीर की सब्जी, गट्टे की सब्जी, और ये है आलू प्याज की सब्जी, साथ में लहसुन की चटनी और सांगरी। हाँ प्याज तो है ही, बाकी चूरमा फेवरेट प्याज। हाँ फेवरेट प्याज तो इसका है ही, फेवरेट प्याज खा चुकी आधी, देख लो अभी और चीज़ जो आएगी वो मैं ऐड कर दूंगा इसमें। ये आ गई है फुली फुली रोटी और ऊपर से देसी घी। हाँ मज़ा ही मज़ा, देसी घी। चलो खाते हैं अब, और उसके बाद ही आपसे मुलाकात करेंगे। तो यहाँ पर लोग मेहंदी भी लगवा रहे हैं, मेहंदी भी आप लगवा सकते हो। इसके अलावा अभी यहाँ पर भी फंक्शन तो मैंने आपको दिखाई दिया, डांस वांस यहाँ पर होता है। इसके अलावा तो यहाँ पर कुछ ऐसा लग नहीं रहा है ज़्यादा। तो देखिए मैं आ गया हूँ बाहर, और इतना ही था यहाँ पे, लाइटें वाइटें जल चुकी हैं अब। सो सारा आपको मैंने दिखा दिया। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया चौकी हवेली, जो कि नोएडा में है। सो सारा कुछ अंदर का मैंने आपको दिखा दिया। मोस्टली एक्टिविटीज वैसे यहाँ पर पेड हैं, लेकिन कुछ जैसे कि कठपुतली हो गया, आपका कुम्हार हो गया, और नीचे वहाँ पर राजस्थानी डांस गीत, ये सब थोड़ा थोड़ा देर बाद होता रहता है, और ये मुफ्त रहता है, यानी कि फ्री रहता है, टिकट में इंक्लूड रहता है, खाना भी आपका टिकट में इंक्लूड रहता है। बाकी मोस्टली एक्टिविटीज़ जो है इसमें पेड रहती हैं, और काफ़ी छोटा है ये, कॉम्पैक्ट है। तो आपने देख लिया, आप अपने हिसाब से यहाँ आ सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। टिकट वगैरह सारे चार्ज मैंने आपको बता दिए थे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई लोकेशन पर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। Keep traveling, happy traveling.